भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रमंडलीय कार्यालय जमशेदपुर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड में गुरुवार को एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए के साथ मनोहरपुर के कोयना प्रक्षेत्र, पोड़ाहाट, आनंदपुर एवं सोगरा चक्रधरपुर के वन क्षेत्र पदाधिकारी रेंजर विजय कुमार और उनके कंप्यूटर ऑपरेटर मनीष पोद्दार को गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत मनोहरपुर के गणेश प्रमाणिक ने पुराने पलंग को जमशेदपुर ले जाने के एवज में 2500 रुपए घूस मांगने की शिकायत एसीबी से की थी। इसके बाद एसीबी के डीएसपी समीर तिर्की के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान वादी से घूस लेते हुए रेंजर और उनके कंप्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद टीम ने उनके सरकारी आवास की तलाशी ली तो वहां से 99,02,540 रुपए नकद बरामद किए गए। एसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर जमशेदपुर ले गई है। वहां उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। बताया जाता है कि उनको गिरफ्तार करने के बाद मनोहरपुर स्थित उनके घर में छापामारी एसीबी की टीम ने की, जिसके बाद उसके घर से 99,00,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। एसीबी की टीम रेंजर से पूछताछ कर ही है। बताया जाता है कि उनके खिलाफ कई और गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर जांच की जा रही है। वह पैसे कहां से आया है यह बताने में रेंजर असमर्थ है, उससे गहन पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि चाईबासा से लकड़ी ले जाने के लिए रेंजर घूस मांग रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने यह कार्रवाई की है।